गुड मॉर्निंग क्लास, एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन 23 है। ये खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होंगे तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब तीन बार उछाला जाएगा एक सिक्के को, और हेड 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 या टेल 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 तीन लगातार आ गया तो वो जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। मतलब अगर नहीं आया तो वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन करना है, ठीक है, वही निकालना है हार जाने की प्रायिकता। तो पहले हमारा जब 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो निम्न परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये परिणाम क्या क्या होंगे? तो हेड आ सकता है, फिर हेड हेड ये आ सकता है, या तो टेल टेल टेल, या तो हेड टेल हेड, या तो हेड हेड टेल, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या तो टेल हेड हेड। एक और है हेड टेल टेल, ठीक है। ये हमारा 8 परिणाम निकल रहा है, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, या संभव परिणाम जो लिखें, परिणामों की संख्या, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हमारा 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सूत्र है, सूत्र हम लिख लेते हैं, पी बराबर अनुकूल, ई के अनुकूल ना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हमें निकालना क्या है? हनीफ हार जाने की, हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगा? जीतने का प्रायिकता क्या होता? ये और ये जीत जाता, ठीक है, तीनों समान है, हेड हेड टेल टेल, हार जाने, तो हार जाने, ये हार जाएगा, इसमें भी हार जाएगा, इसमें हार जाएगा, इसमें इसमें भी हार जाएगा, तो ये 6 परिणाम जो है इसमें हार जाएगा, तो ये हार जाएगा। और संभव परिणाम कितना है? कुल परिणाम 8, तो ये कट के 3 और ये 4, तो हमारा पी बराबर क्या होगा? 3/4, यही हमारा आंसर हो गया। हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता 3/4, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।